हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है कोल्हापुर सेंटर के अंदर इंडियन आर्मी के MTS के पदों के ऊपर भर्ती है। कोल्हापुर हेड क्वार्टर रिक्वायरमेंटिंग जोन पुणे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। थ्रू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर रहेगा KOP एंड CMD 20222। सिविल मोटर ड्राइवर व मल्टीटास्किंग के पदों के ऊपर भर्ती है। मल्टीटास्किंग का एक पद है जो कि 7th CPC पे मैट्रिक्स के ऊपर पे स्केल रहेगी। 18,000 से 56,900 रुपए तक वेतन रहेगा। 18 से 25 साल आयु रहेगी आपकी। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास की होनी चाहिए। 6x6 आपकी हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए आईज की। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए एक पद रहेगा वो जो कि जनरल का रहेगा, और मल्टीटास्किंग में OBC का एक पद रहेगा। सिविल मोटर ड्राइवर में जनरल का एक पद रहेगा। 7th पे CPC पे मैट्रिक्स पे लेवल 2 रहेगा। पे स्केल 19,900 to 63,200 रुपए तक रहेगा। 18 से 27 साल आपकी एज रहेगी। 3 इयर्स का आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में CMD की होनी चाहिए। मैट्रिक्स 10वीं पास की होनी चाहिए। सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ लाइट एंड हैवी दोनों। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास व्हीकल का। नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल्स कंडीशन टू शुड बी रिमूव, और शीशे का ज्ञान होना चाहिए आपको। फॉर्म आपका इस प्रकार से रहेगा। और डिमांड रहती है बच्चों की कि सर फॉर्म पेज के ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो साथ में इसको ऐड कर देते हैं फॉर्म पेज को। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें चैनल को। सेना भर्ती कार्यालय कोल्हापुर, मल्टी टास्किंग, 18 से 28 साल और 18 से 27 OBC के लिए रहेगी ये मल्टी टास्किंग स्टाफ वाली, और सिविल वाले जनरल ड्राइवर के लिए रहेगी। आपका फॉर्म भेजने का, आपके आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, जो कि आपके फॉर्म की अंतिम तिथि 21 मई 2022 है। फॉर्म भेजने का जो पता है आपका वो डायरेक्टर रिक्वायरमेंटिंग आर्मी रिक्वायरिंग ऑफिस कोल्हापुर, मिलिट्री स्टेशन टैम्बली हिल, यूनिवर्सिटी रोड कोल्हापुर, 416004 महाराष्ट्र के पते के ऊपर आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म के साथ आपको शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने हैं, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगाना है। जन्म तिथि में 10वीं लगा सकते हैं, 100वीं लिखा लिफाफा, डाक टिकट जिस पर डाक टिकट बिना डाक टिकट का लिफाफा हो, रोजगार पंजीकरण में यदि आपने नाम करा रखा है तो अनुभव प्रमाण पत्र है तो आधार कार्ड, NID प्रूफ, नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, कैटेगरी एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम व कैटेगरी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फॉर्म फिलअप करना है। किसी प्रकार की कटिंग या और कटिंग नहीं करनी, अन्यथा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।